डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, हमारे बच्चे गायब हैं, वो कहीं नहीं मिल रहे, हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गायब है, सुबह स्कूल गया था और उसके बाद वापस लौटा ही नहीं। बालवीर, बालवीर हमारे बच्चे स्कूल से गायब हो गए, प्लीज पता करो वो कहाँ है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा क्या आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या है? सॉरी बालवीर, अभी तक मैंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक नहीं की। तो जल्दी से कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या है। यू आर राइट। बच्चे गेट से बाहर निकले लेकिन सामने वाली दुकान तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब बच्चों के साथ जो भी हुआ है वो बीच में ही हुआ है। मुझे ऐसा लगता है बालवीर, ये किसी बच्चा पकड़ने वाले गिरोह का काम है। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम हर जगह हाई अलर्ट करके उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना वो लोग सतर्क हो जाएंगे और फिर कोई और योजना बना लेंगे। हमें उन्हें पकड़ने के लिए ऐसे पेश आना होगा जैसे हमें कुछ पता ही नहीं हो। और हाँ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, उन्हें सही सलामत मैं वापस लेकर आऊंगा। लेकिन बच्चों के गायब होने वाली बात आप किसी को भी मत बताइएगा, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखिएगा। हाँ हाँ, हम अपने तक ही रखेंगे बालवीर। बालवीर, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? माँ परियो, दरअसल हुआ यूं कि बालवीर, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके मस्तिष्क में से उस समय के प्रतिबिंब को बाहर निकाल कर देखेंगे जिस समय आपको अपने आसपास कुछ बुरा होने की आशंका हुई थी। ये तो बुरे इंसान नहीं लग रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है रानी परी? जब मैं वहां पर था तो मुझे अपने आसपास किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा था। बालवीर, हो सकता है कि जिस बुरी शक्ति का आपको आभास हुआ था वो बुरी शक्ति आपके नजरों के सामने ही नहीं आई और इसलिए आपके मस्तिष्क के प्रतिबिंब में वो नजर नहीं आ रही। हाँ बाल परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बालवीर, आपको स्थान पर दोबारा जाना होगा ताकि जो आपकी नजरों से छिप रहा है वो आपकी आंखों के सामने आ जाए। जी रानी को। हम एक काम करते हैं, इस पार्क में बैठते हैं और इत्मीनान से सोचते हैं कि आपकी ये समस्या का हल क्या है, है ना? यहाँ पे बाबूजी, किसका वैन चाहिए? म्युनिसिपैलिटी के पार्क में है तो म्युनिसिपैलिटी का ही होगा ना। मेरे कहने कर दिए कि किस चीज का बेंच बना हुआ है? ये लकड़ी का। लकड़ी का है तो क्या करूं, इसके ऊपर चढ़कर डांस करूं ऐसे? बापूजी, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके ऊपर बैठिए 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 बैठिए। देखिए बापूजी, आप इस बेंच पे बैठेंगे तो लकड़ी की छड़ी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बूढ़े की तरह छड़ी पकड़ के बैठे? लेकिन बेटा मैं कब तक बैठूंगा, कभी ना कभी तो घर जाना ही पड़ेगा ना। बापूजी, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ, उनको पूछता हूँ इस बीमारी का इलाज क्या है, पूछ के वापस आऊंगा तब हम घर चलेंगे। बराबर, चल अभी आता हूं।
ऐसे एक बच्चे को मैंने देखा तो जरूर है, लेकिन यहाँ नहीं, स्कूल के दूसरे वाले गेट पर। हाँ थैंक यू अंकल। हाँ मैडम, मेरी गोराउंड। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सही सुना आपने, मेरे बापूजी के अंदर एक अलग प्रकार का मैग्नेटिक पावर घुस गया है। उस वजह से उनके आसपास जितने भी मेटल की चीजें होती है ना, वो उनके शरीर पे आके चिपक जाती है। और तो और, औरतों के गहने, उनकी जो ज्वेलरी होती है ना, वो भी उनके शरीर पे आके चिपक जाती है। बंटू, ये आदमी जिस आदमी की बात कर रहा ना, वो तो अपन का चलता फिरता एटीएम है। हाँ, अच्छा चंटू, आज हमारा जेल में लास्ट डे है। हाँ। और जेल से छूटने के बाद सीधा उसी बुड्ढे को पकड़ेंगे। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बापूजी को प्लीज प्रोटेक्शन दीजिए, नहीं तो कोई उन्हें चोर समझ के उनको पीट ना दे। इधर इधर आ, तुम्हें शक्ल से मैं बेवकूफ लगता? ऐसा कब कहा मैंने? अरे ऐसा नहीं कहा तू, लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब वही था। नहीं नहीं, अरे अनोखे तरीके से चोरी करते हो और पुलिस को कहते हो कि प्रोटेक्शन दो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई तेरी? अंदर हवलदार, इसे अंदर डाल, अंदर डाल। अभी बचा इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, ये मेरे बापूजी है। बस बेटा, मेरे योगा पावर के बारे में तो बता। रुके, मेरी बात सुनिए, ये कोई चोर नहीं है, ये मेरे बापूजी हैं। आपके बापूजी हैं तो क्या ये चोरी नहीं कर सकते क्या? हटिए सामने से आप, वरना आपको भी तोड़ डालेंगे। रुकिए मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो करना है कीजिए। सुन तो लो। हुआ यूं कि बापूजी रोज की तरह योगा करने बैठे थे, अब तो आपको यकीन आ गया है ना इंस्पेक्टर साहब कि मैं सच बोल रहा हूँ? हाँ, वो समझ गया मैं, लेकिन ये इनकी बॉडी से ज्वेलरी निकलेगी कैसे? डंडे से। डंडे? फ्रेंड्स, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम झूला झूल रहे हो और टाइम रुक जाए, और ऊपर से हमें यहाँ लाकर हमारी अच्छाई और सच्चाई की परीक्षा ली जा रही हो? इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरा तो जी खट्टा हो रहा है। सही बात नील, तू बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन नील, यहाँ पर तो हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है, फिर उसमें कोई गड़बड़ कैसे हो सकती है? प्री के चक्कर में ही तो सारी गड़बड़ हुई है ना। हम प्री का झूला झूलने की लालच करते और ना ही हमें यहाँ आना पड़ता। मेरा तो जी खट्टा हो रहा है। फ्रेंड्स, हमें चल के रानी रिवाना को बोलना चाहिए कि वो हमें हमारे घर वापस पहुंचा दे। चलो। हाँ नहीं, चलते हैं। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? रानी रिवाना, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। अब हम लोगों को यहाँ नहीं रहना, अब हम सबका जी खट्टा हो रहा है। प्लीज हमें हमारे घर पहुँचा दीजिए, प्लीज। क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है या फिर बास की सवारी करने का दिल कर रहा है? हाँ बोलो, यहाँ पर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, बताओ बताओ। नहीं आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें हमारे घर भेज दीजिए। हाँ आंटी, हमें हमारे पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है। हाँ आंटी, हमें अपने घर भेज दो। अपने घर भेज दो। हाँ आंटी, हमें घर जाना है। हमें अपने घर जाना है। आंटी, हमें भेज दो। बस। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.